ऑल रेस्लिंग की फर्स्ट एवर वीडियो गेम एब्ल्यू फाइटते हैं जिसका अंदर ही मोमेंट बट अगर आप मेरे से सची पूछे तो एवर सिंस ए डब्ल्यू की गेम अनाउंस हुई और फिर इसका इनिशियल मार्केटिंग मटीरियल सामने आया मुझे तो शुरू से ही इसके नाजुक सूरत आल लग रहे थे की बॉस बात नहीं बनने वाली हाई दिस इज बन

जैसे बहुत ही लंबे अरसे से सबसे ज्यादा रेलेवेंट प्रमोशन डब्ल्यू है ना वैसे ही रेसलिंग गेम्स में भी उन्हीं का ब्रांड है जिसने ओवर द इयर्स हमें गेमिंग स्पेस में भी एंटरटेनमेंट दी है विद द द टाइटल्स वी ग्रू अप लविंग स्मैकडाउन वर्सेस टाइटल सीरीज एंड द के स्टफ अब कहीं जाके हमें एक ऑल्टरनेट प्रमोशन भी मिली है और उनकी भी गेम जिसे यूक्स नहीं बनाया है यूक्स भी वही लोग हैं जिन्होंने हमारी फेवरेट्स के अंदर काफी जोर की इन्वॉल्वमेंट रखी है फाइट फॉर रियलिज्म रियलिज्मन स्टाइल को डिच करके उल्ट ओल्ड स्कूल आर्केड स्टाइल में बनाई गई है इसका मेन गोल ये नहीं है कि ये आपको फ्लैशी कमाल के ग्राफिक्स दे यूनिक डिटेल्ड एंट्रेंसेज वगैरह दे नो इट इज ए नो मर्सी स्टाइल पैकेज एंड लेट्स बी रियल अबाउट वन थिंग ऐसी इस गेम की बहुत सी खामियाँ हैं बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके अंदर ये बहुत लेजी थे उसको वो रेट्रो स्टाइल आर्किड स्टाइल और नो मर्सीडो सिक्सटी फोर के एक्सक्यूज के बहाने छुपा रहे हैं दिस इज समेट आई फेल्टन आई प्लेट द गेम ए का गेम प्ले बहुत ही सिंपल है पिक एंड प्ले है ऑलमोस्ट एज शुरू में ही हर चीज आपको वेयर ट्यूटोरियल दिखाई जाती है पुराने वाले ट्रेडिशनल स्टाइल में आपके पास टू बटन हैं हैं जिसमें स्ट्राइकिंग और ग्रैपल के लिए आप अपने अपर शोल्डर को यूज करते स्टैंडिंग डायरेक्शनल इनपुट से लग जाती है डाउन एंड लेफ्ट राइट अलग अलग जगहों पर यह डैमेज देती है अगर आप इन्हें होल्ड रखे तो मजीद और तरह की मूव लगती है देर इज अ गेम प्ले वराइटी फॉर श्योर बड़े सालों बाद वो पागलपना देखने को मिला है किसी रेसलिंग गेम में जहाँ आप एक्चुअली पुट्ठी सीधी हर

की गेम में देख ली जो एक्सप्लोडिंग बाब वायर डेथ मैच है इट इज क्वाइट फन आई नॉट गाय हल्का सा टच हो जाए तो पटाखे मारती हैं। टेबल्स पे खुद भी लग जाते हैं जिस चीज का ख्याल करना पड़ता है और लगते साथ ही खूनो खून हो जाती है कमर वन ट्वेंटी सेकंड का काउंट डाउन है जिसके बाद प्रॉपर धमाके होते हैं और डालते गिर जाते हैं। भी भी कर सकते हैं यानी सीधा सीएम नाराज होकर छह छह महीने के लिए कंपनी छोड़ जाता है इस गेम में लेकिन उसका फीचर नहीं डाला उन्होंने तो वो आपके पास ही रहेगा गेम प्ले वाइज वुड से एक चीज तो फील गुड मोमेंट देती है फैक्ट के फ्लो ऑफ द गेम मैच पॉलिटिक्स या उन चीज़ों पे कोई फोकस नहीं है जैसा हमें टू के नाइन से ऑनवर्ड्स मिला था एंड माइंड यू टू के बेस्ट फ्लो ऑफ द गेम मैच की पॉसिबिलिटीज बहुत मजे की होती थी लेकिन यहाँ पर अर्ली टू थाउजें वाला जो फन है एक तरह से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है और इस पहली ए गेम में वो ये फील लेकर आए हैं आई वुड सेट द गेम प्रटी क्लोज टू रेप्लीट दिक्सटी फोर आकी गेम्स नोमर्सी स्टॉफ मैच वराइटी और जनरल ऑफरिंग में गेम मुझे सबसे ज्यादा लैकिंग लगी एडब्ल्यू का स्टेपल जिसमें इतने आला मैचेस हुए द स्टील खेच कोडी रोड्स और वार्डलो का हिस्टोरिक स्टील के एच था पेंटल और रे फिनिक्स का यंग से कमाल का मैच था फिर आपका जंगल बॉय लूचा सोरस का इतना मजे का भी में केज मैच हुआ है तो ऐसी कंपनी जिसका स्टेपल ही एक मैच टाइप है वो वही मैच आपकी गेम में नहीं है लाइक हाउ डू यू इवन अप्रूव दिस एंड टू थिंक डब्ल्यू डब्ल्यू ऑल स्टार्स के अंदर स्टील केज मैच था फिर वो घटिया तरीन बैटल ग्राउंड में स्टील केज था यहाँ पे उसके ना होने की मुझे समझ नहीं आती एंड देन यू हैव स्पेशल लाइक लेडर मैच वो है फॉल्स काउंट एनी वेयर भी है लाइट्स है एक्सप्लोरिंग मौजूद है जनरल the वाइब पूरे पैकेज की सिक्सटी डॉलर के प्राइस पॉइंट पे ऑनस्टली एक ही इंप्रेशन देती है कि ये बहुत ही रश्ट है स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंटेशन कार्टूनी आर्ट स्टाइल में कोई बुराई नहीं है एज लॉन्ग एज इट्स डन राइट और सबसे बेस्ट इसको रेसलिंग के अंदर एंड जनरली गेम्स के अंदर ऑल स्टार्स ने हैंडल किया था जो कि

शक्लों के अलावा भी मुझे समझ नहीं आई जेरे को किस किस्म का उसका जिसम बनाया हुआ है पता नहीं कोई प्लेट देने में आ रही थी या वो कोई बर्तन लग रहा था मुझे ऑल पर दूध के डब्बे जैसा है जेरे को फॉर सम रीजन उसका भी कुछ कैरेक्टर्स की आई डू फाइंड देम ऑफ रिव्यूज आर सब्जेक्टिव मे बी आपको ये आर्ट स्टाइल और इसके विज्यल्स पसंद आए हो बट फॉर मी आई डू थिंक दे हैव द मार्क नेक्स्ट जेन हो के भी प्रेजेंटेशन का इतने स्टेप्स बैक होना जस्ट मेक एनी सेंस और इसके अंदर निटेंडो वाली वाइब या नो मर्सी वाला स्टाइल इस्ट इन एक्स And them being lazy. चंद की हैं और अफसोस इस बात का है कि टी एन वीडियो गेम की एंट्रेंस फॉर रीज़न इस पूरी गेम से ज्यादा आज भी प्यारी लगती है उसमें भी चंद सेकंड की थी और वो गेम भी एक अलग लेवल की मनोस चीज थी कहीं ना कहीं उसका हमारी वीडियोस में जिक्र हो जाता है जान नहीं छोड़ती वो गेम कमेंट्री ना होने के बराबर है वॉइस ओवर ऐसे हैं जैसे सबको नींद से उठा के कहा है कि यार ज़रा वाजें तो निकालो जी आर का तो शायद मूड ही नहीं था मैन्यू कैरेक्टर सेलेक्ट अरिना सेलेक्ट ऑल ऑफ इट लैक्स अ होल लॉट ऑफ पैशन एंड एनर्जी आई मीन एक रेसलिंग गेम है मेन्यू ही तगड़ा किस्म का हाइप मटीरियल होना चाहिए चार्ज रखने के लिए गाने ठीक हैं अच्छी चॉइस है ओपनिंग स्क्रीन पर डायनामाइट की थीम की बड़ी फील आई थी बड़ा मज़ा आया था एंड दी ओपनिंग वीडियो पैकेज दैट यू सी ऑल्सो हैड अ नॉट टू स्मैक डाउन वर्सेज रॉ टू थाउजेंड एंड फाइव भला कैसे क्योंकि उसकी ओपनिंग पैकेज में और इसकी ओपनिंग पैकेज में एक लाइन सिमिलर है विच गोज लाइक देर आर मोमेंट्स वन टाइम स्टैंड स्टिल रोटू इलीट जिसको लेकर मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी सैडली काफ़ी शॉर्ट रहा और अंडरवेलमिंग रहा क्रिएटेड रेस्लर से भी खेल सकते हैं या किसी ए डब्ल्यू स्टार से और इसका क्रिएशन स्वीट लिमिटेड है अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू थिंग्स एंड द स्टफ दैट यू बाय फ्रॉम एन एन गेम स्टोर इट्स क्वाइट लिमिटेड सो आई एक्चुअली प्लेड विद एन रेस्लर आपने दिन गुजार के हफ्ते में डायनामाइट तक पहुँचना होता है जहाँ एक्टिविटीज जैसे जिम प्रेस कॉन्फ्रेंस डिनर साइट सीइंग ये सब होता है वॉइस ओवर की कमी बहुत जोर की फील हुई मुझे ऑल्सो एक इट फैक्टर एक टिपिकल रेसलिंग स्टोरी वाली जो चीज़ है वो मुझे नहीं मिली आई डोंट नो वाई ये रोड टू रेसल के तो करीब लगता ही नहीं है। आई से दिस कि इवन टू के नाइनटीन की स्टोरी ज्यादा क्रिएटिव थी ऑल्सो ए डब्ल्यू वर्ल्ड टाइटल किस्मत किस्मत वाली बात है अगर आपको एम जी एफ मिल जाए स्टोरी में तो तभी वो आपको मिलेगी नहीं तो आपको इधर उधर की बेल्टों पीटर खाई रखेंगे आई थिंक गेम प्ले वाइज यहाँ पोटेंशियल है लेकिन ओवरऑल एज अ फुल प्राइज्ड वीडियो गेम ये अल्टीमेट अनरियलाइज पोटेंशियल की एग्जाम्पल है रश डेवलपमेंट और कटिंग कॉर्नर का शिकार है इस स्टेट में अगर थर्टी या फोर्टी पे रखते तो शायद बात कुछ ना कुछ हद तक बनती बट मैं तो आपको बीस डॉलर की सेल प्राइस पर ही रिकमेंड करूंगा वो भी तब अगर आप स्ट्रिक्टली या रेसलिंग के फैन हैं और एल्स यू शुड एब्सोल्युटली वेट और स्किप और मे बी जस्ट रेंट आउट एंड ट्राई टू प्ले मे बी विद टाइम कंटेंट ड्रॉप्स आए मे बी ये गेम की असल छकल निकाल लें बट दैट इज हाईली अनलाइकली लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर इसी सब को ये

डी पैकेज like जिस तरह की मैं रख रहा था बहुत ही छोटी सी दिल में डर, डर के, वो भी मुझे नहीं मिली अपार्ट फ्रॉम इट्स फन कोर गेम प्ले आई बिलीव इट फेल्स टू जस्टिफाई दिक्सटी डॉलर प्राइस टैग और इवन अलोन थर्टी या फोर्टी डॉलर का बट अगेन रिव्यूज आर सब्जेक्टिव अगर आप बहुत ही तगड़े किस्म के एडब्ल्यू फैन है कि बस जी मैं तो खेडनी खेडनी है फिर मेरे ख्याल से यू शुड मे बी यू नो जब बोता ही पैसा था फिर ले लो ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू और अगर आपने ए डब्लू फाइट फॉर एवर खेली देन शेयर योर थॉट्स विद मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो यहाँ से ऑनवर्ड्स मेरा प्रॉमिस है कि यू विल बी गेटिंग न्यू कूल फन वीडियोज एवरी वीक मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब सो यू डोंट मिस एनी ऑफ द अपकमिंग कॉन्टेंट आई विल सी यू गैस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम